हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों के साथ ग्रैंड सुपर पैक पीएनजी फाइल कलेक्शन शेयर कर रहा हूं। और इस कलेक्शन के अंदर आप तमाम दोस्त 2000 से प्लस पीएनजी फाइल्स हासिल कर सकते हैं, वो भी मुख्तलिफ कैटेगरीज में। ठीक है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये एक कैटेगरी है। ठीक है, इसमें आपको क्लिप आर्ट, इफेक्ट, एलिमेंट, फ्लोरल और कॉर्नर बॉर्डर्स और बेस फ्लावर्स, मॉडर्न फोटो फ्रेम, टाइटल्स एंड क्वाइट्स। ठीक है, ये जो है एक मेन कैटेगरीज हैं। ठीक है, आप इनको मेन कैटेगरीज समझ लें। और इसके अंदर भी काफ़ी फोल्डर्स के अंदर सब कैटेगरीज भी बनाई गई हैं, जिसके अंदर आपको पीएनजी फाइल्स मिलेंगी। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाऊंगा इस वीडियो में, और इसके अलावा मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा और आप किस तरह से ये डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट से लकी स्टडी फॉर यू यूट्यूब चैनल के 25,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और ये आप तमाम दोस्तों का प्यार है जिसकी वजह से हम आज इस मुकाम तक पहुंच सके हैं। और इंशाल्लाह आगे भी मैं आप तमाम दोस्तों के साथ इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूंगा, और आप लोगों की सपोर्ट रही तो हम 50,000 सब्सक्राइबर की फैमिली भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा और आप लोगों की सपोर्ट बताएगी। लेकिन आज जो हमारे चैनल पर 25,000 प्लस सब्सक्राइबर हुए हैं, उसकी खुशी में मैं आप तमाम दोस्तों के साथ ये ग्रैंड सुपर पैक का जो कलेक्शन है वो शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा कि कभी भी किसी भी यूट्यूबर ने आपको एक साथ 2000 से भी ज़्यादा कलेक्शन शेयर नहीं किया होगा, वो भी पीएनजी का। ठीक है, पीएनजी का कलेक्शन वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है देखने में तो ये, लेकिन ये बहुत ही मुश्किलों से मिलती है, और अगर मिलती है तो वो बहुत ही छोटी क्वान्टिटी में मिलती है। मिसाल के तौर पर 25 मिल जाएंगी, 100 मिल जाएंगी, 500 मिल जाएंगी, बस इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। ठीक है, लेकिन मेरे पास ये पीएनजी का जो कलेक्शन है वो तकरीबन 70,000 प्लस मौजूद पड़ा हुआ है इस टाइम, जिसमें से मैंने ये 2000 जो है वो आप लोगों के लिए सेपरेट किए हैं। और इंशाल्लाह मैं आगे भी इसी तरह से आप लोगों के लिए बड़े से बड़ा कलेक्शन लेके आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये पोस्ट मैंने जो है अपने वेबसाइट पे कर दिया है, और उसको डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये पीएनजी कलेक्शन जो है वो देख लें। अगर आपको ये कलेक्शन पसंद आता है और आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप ये डाउनलोड कीजिएगा, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे कम लगता है कि कोई इस कलेक्शन को इग्नोर करे, क्योंकि ये कलेक्शन इतना यूज़फुल है हर इंसान के लिए, जो एडिटर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, एल्बम डिज़ाइनर है, ये हर इंसान के लिए ये जो कलेक्शन है वो यूज़फुल है। तो दोस्तों, आप तमाम दोस्तों का जो मैंने टाइम लिया उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, और अब बगैर टाइम वेस्ट किए जो है मैं आपको कलेक्शन दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो है हमारे पास क्लिप आर्ट्स का जो है वो एक फोल्डर है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ। तो देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा था, फोल्डर के अंदर भी आपको सब फोल्डर मिलेंगे। तो क्लिप आर्ट में आपको बेल्स, बर्थडे गिफ्ट्स, गॉड्स, हार्ट, पूजा, रिंग, इनके जो है वो सब फोल्डर नज़र आ रहे हैं। तो पहले हम सब फोल्डर को वन बाय वन चेक कर लेते हैं। ये जो हैं बेल्स हैं, ठीक है, ये आपको टोटल 10 बेल्स जो हैं वो यहाँ पे सब फोल्डर में मिल रही हैं। तो दोस्तों, बर्थडे के फोल्डर में आपको ये जो हैं पीएनजी के क्लिप आर्ट मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं एक बर्थडे एल्बम डिज़ाइन के लिए। बर्थडे एल्बम डिज़ाइन करने के लिए या कोई पोस्टर बनाने के लिए या बैनर बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्लिप आर्ट हैं। गिफ्ट के फोल्डर में आ जाएं तो गिफ्ट के अंदर आपको ये गिफ्ट मिलते हैं जो कि पीएनजी फाइल फॉर्मेट में हैं। गॉड्स के अंदर आपको ये कुछ गॉड्स के क्लिप आर्ट मेरे पास मौजूद थे तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और हार्ट में आ जाएँ तो हार्ट के अंदर आपको ये हार्ट के क्लिप आर्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और ये क्वान्टिटी आप चेक कर सकते हैं, मैंने ये मेंशन नहीं किए डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये पूजा के हैं कुछ, और ये रिंग के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो रिंग्स के जो हैं वो क्लिप आर्ट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और कुछ क्लिप आर्ट जो हैं वो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें कपल्स के भी हैं और ब्राइड के भी हैं, ग्रूम के भी हैं, और फोटोग्राफी से रिलेटेड भी हैं, और एल्बम डिज़ाइनिंग के रिलेटेड भी कुछ क्लिप आर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं।
कुछ इफ़ेक्ट्स के भी हैं, ठीक है, थोड़े मिक्स हैं ये, आप जो है वो देख लीजिएगा, जो आपको पसंद आता है वो आप अपने काम के हिसाब से इनमें से चूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्लिप आर्ट्स का जो फोल्डर। अब हम वापस बैक जाते हैं और यहाँ पे इफ़ेक्ट में आते हैं। इफ़ेक्ट्स के अंदर जो है आपको ये सारे इफ़ेक्ट मिलेंगे PNG में, ठीक है, इसको आप ओवरले भी कह सकते हैं। अब इन इफ़ेक्ट्स को जो है आपको जस्ट यहाँ से उठा के फोटोशॉप में जाके किसी भी इमेज के ऊपर इसको आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप ब्लेंडिंग मोड देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादातर इफ़ेक्ट में आपको, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट हैं एलिमेंट्स, फ्लोरल, कॉर्नर और बॉर्डर, ठीक है। ये मैंने तो ये जो हैं चार नाम इसमें दिए हुए फोल्डर में, लेकिन इन चार नाम से भी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसमें आप देख सकते हैं 641 एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, इनको जो है वो आप अपने हिसाब से छांटी कर सकते हैं और इनको फोल्डर में डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा पहले ही छांटी करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए मैंने इनको सेपरेट नहीं किया है, ठीक है। तो ये आप सारे देख सकते हैं। तो ये सारे जो फ्लोरल और एलिमेंट्स वगैरह हैं ये आप एल्बम डिज़ाइनिंग के यूज़ में लेके अपने एल्बम को और भी खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है, जो उसके काम में आप ले सकते हैं। फ्लावर्स में आ जाएं तो फ्लावर्स के अंदर आपको फ्लावर्स के जितने भी क्लिप आर्ट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है, ये देखें। फिर बैक आ जाता हूँ मॉडर्न फोटो फ्रेम। तो मॉडर्न फोटो फ्रेम में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे मॉडर्न फोटो फ्रेम्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो कि PNG फाइल फॉर्मेट में हैं, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 एटम्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये टोटल जो हैं वो 90 एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, जस्ट आपको इधर इमेज कोई भी सेट करनी है, बस आपका काम हो गया। बैक आते हैं, फिर टाइटल्स और क्वेड्स। अब ये जो चीज़ है ये तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मैंने इतने दफ़ा ये शेयर किए हैं लेकिन लोगों को कमी फिर भी हो ही जाती है इस चीज़ की, कि वो बार बार मुझे यही कमेंट करते हैं कि सर हमें टाइटल्स क्वेड्स सेंड करें। कुछ हिंदी में भी मांगते हैं, कुछ तेलुगू में मांगते हैं, कुछ मराठी में मांगते हैं। तो बहरहाल जो मेरे पास थे उनमें से मैंने अच्छे अच्छे जो हैं वो छांटी करके आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और मज़ीद भी मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया